राजा जी का मकसद आपको आर्थिक आजादी देना होता है, लेकिन ये आजादी बिना आपकी कोशिश और अनुशासन से नहीं मिल सकती। सपने देखना तो आसान होता है, लेकिन उन्हें अमल में लाने के लिए मेहनत, निष्ठा और योजना की जरूरत होती है, और यही आर्थिक प्लानिंग करने की क्षमता आपको देता है ईटी नाउ स्वदेश। ईटी नाउ स्वदेश जो आपके ख्वाबों को पंख देता है, आर्थिक तौर पर जिंदगी जीने की हिम्मत देता है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कविता थपलियाल, और आज की इस पेशकश में मैं आपको मिला रही हूं एक ऐसी मेहमान से जो निवेश को दाल चावल के जैसे आसान रखने की सलाह देती हैं। इनकी निवेश और जिंदगी को लेकर समझ आपको प्रेरणा और जीवन में आत्मनिर्भर होकर जीने का संदेश देगी। स्वागत करना चाहती हूँ एडलवाइस एसेट मैनेजमेंट लिमिटेड की एमडी सीईओ राधिका गुप्ता का। राधिका जी, स्वागत है आपका ईटी नाउ स्वदेश पर। हमारे लिए बेहद खास समय है, और ये और भी खास हो जाता है जब आप जैसी शख्सियत इस मौके पर हमारे साथ हो। ईटी नाउ स्वदेश के साथ आर्थिक आजादी और निवेश को लेकर जागरूकता बढ़ाने में आपके साथ के लिए धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया कविता जी, और बहुत बहुत मुबारक ईटी नाउ स्वदेश को भी। चलिए शुरुआत करते हैं चर्चा की। राधिका जी, हम बात करेंगे सबसे पहले आर्थिक आजादी की। फाइनेंशियल फ्रीडम टर्म हमेशा हम सुनते रहते हैं, आमतौर पर तमाम बिजनेस चैनल्स पर भी इसका इस्तेमाल होता है, लेकिन फाइनेंशियल फ्रीडम के इंग्रेडिएंट्स की अगर हम बात करें तो वो क्या होती है? आप कोई परिभाषा क्या देंगी आर्थिक आजादी को? क्योंकि आजकल हमने देखा है, और अमूमन एक जनरल मानसिकता होती है निवेशक की कि सबको अमीर तो बनना है, ठीक है, लेकिन अमीर बनना क्या आपका गोल होना चाहिए या आर्थिक आजादी आपका गोल होना चाहिए? देखिए, मेरा थोड़ा मानना अलग है। आर्थिक आजादी जो है वो सिर्फ अमीर बनना नहीं है, क्योंकि अमीर बनने का तो कोई अंत नहीं होता। जब हम पैसे कमाते हैं, निवेश करते हैं, तो मुझे लगता है किसी कारण के लिए करते हैं, किसी गोल के लिए करते हैं, सपने पूरे करने के लिए करते हैं। अब ये तो ये नहीं है कि मेरे अकाउंट में 1 करोड़ है, मेरे दोस्त के अकाउंट में 2 करोड़ है, ये कोई IIT या वो रैंकिंग तो है नहीं, परसेंटाइल रैंकिंग, ये कोई रेस नहीं है, क्योंकि ये तो जिंदगी एक नाखुश तरीके से जीने का एक रेसिपी है अगर आप वो कॉम्पिटिशन में लगे रहेंगे कि मेरा इतना रिटर्न आया आपका। आई थिंक आर्थिक आजादी के 2 मतलब हैं। एक तो आप जो कमाते हैं, जो भी आपकी हैसियत है, जो भी आपकी कमाई है, आप उसका बेस्ट करें, और आप जब सुबह उठे तो आपको बहुत शांति हो, सुकून हो, पैसे को लेके, निवेश को लेके आपको एक स्ट्रेस ना हो दिमाग में। एक तो ये बात है। दूसरा, आर्थिक आजादी खासकर यंग लोगों के लिए ये है कि आप अपने पैसों से अपने जो सपने हैं, चाहे वो पढ़ाई के सपने हैं, शादी करने के सपने हैं, बिजनेस खोलने के सपने हैं, वो पूरे कर सकें। तो मेरे हिसाब से आर्थिक आजादी के ये महीने हैं। क्या आप अपने आप को आर्थिक तौर पे आजाद समझती हैं राधिका जी, आज जीवन में इस मुकाम को अगर हम देखें तो? हाँ, मुझे लगता है कि मैं हूँ। ये नहीं है कि इतने पैसे कमा लिए हैं कि मैं फ्रेंकली रिटायर कर लूंगी और ये सब हुआ है। बहुत लोगों का उनकी सोच ये होती है कि सीईओ बन जाते हो तो आपने इतने पैसे कमा लिए हैं कि आप रिटायर करोगे, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन मुझे अपना काम अच्छा लगता है। मुझे निवेश के बारे में, पैसे के बारे में कोई स्ट्रेस नहीं है। मैं एक बहुत हाई रिस्क प्रोफेशन में हूँ कविता जी, कैपिटल मार्केट्स। कभी कभी लोग ये जानते नहीं है, मेरे हस्बैंड भी इसी प्रोफेशन में है, और ज्यादातर हमारी इनकम फंड रिसोर्स इनके थ्रू होती है। लेकिन जो बुरे से बुरा वक्त भी आता है बाजार का, जैसे मार्च 2020, उसमें हमें अपने निवेश का और पैसे का स्ट्रेस नहीं है, तो ये एक बहुत अच्छी बात है। चाहे मार्केट कितना भी बुरा हो, हमने प्लानिंग ऐसी की है कि हमारी हमें स्ट्रेस नहीं है। और दूसरा, जो हमारे छोटे जो छोटे सपने हैं, ये लेना है, वो लेना है, घर लेना है, बड़े सपने हैं, वो भी पूरे होते जा रहे हैं। तो हाँ, मैं अपने आप को फाइनेंशियली फ्री तो जरूर कहूंगी। मेरे ख्याल से आपने एक शब्द का इस्तेमाल बहुत बार किया, स्ट्रेस फ्री। जिस तरह से आप फाइनेंशियली स्ट्रेस फ्री जीती हैं, उसके पीछे आपका मूल मंत्र क्या है? क्या निवेश को दाल चावल की तरह ही रखना जैसा कि हमेशा आप कहती आई हैं, या उसमें, क्योंकि आप बहुत सारी इनोवेशन हम इन्वेस्टमेंट में देख रहे हैं तो आप वो भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन बेसिकली इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो स्ट्रेस फ्री, सिंपल कैसे बनाया जाए?
जब मेरे से लोग पूछते हैं कि आपका इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो कैसा है और मैं तो एक नॉन म्यूचुअल फंड बैकग्राउंड से आती हूँ, तो लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि उसमें बहुत सारी कॉम्प्लिकेटेड चीजें होंगी, लेकिन इसमें कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। सिर्फ म्यूचुअल फंड हैं, साधारण तरीके के म्यूचुअल फंड हैं। 60-70% तो मेरा खुद का बैलेंस्ड एडवांटेज फंड है जो एक इक्विटी और डेट में रोटेट करता है। बाकी कुछ मिड कैप फंड, इंटरनेशनल फंड, जिन फंड के बारे में मैं बात करती हूँ वो ज्यादातर मेरे पोर्टफोलियो में यही है और कुछ नहीं है। दूसरा, मुझे जिस बात से बहुत शांति मिलती है वो ये है कि मेरा पोर्टफोलियो मेरे लिए बनाया गया है, वो किसी और की कॉपी नहीं है। मुझे ये नहीं लगता कि किसी और ने ये कहा कि मैं अपने निवेश में ये कर रहा हूं तो मुझे उसको कॉपी करने की वो है। इस टाइम पे, इस दौरान फोमो एक बहुत बड़ी बात हो गई है, तो फोमो का एक बहुत बड़ा कि मैंने अच्छा नेबर को कॉपी करना है, किसी व्हाट्सएप ग्रुप में ये सुन लिया, फैमिली वाले ने ये कहा, मुझे ऐसा कुछ नहीं है। मैं बार बार कहती हूँ कि पर्सनल फाइनेंस पहले पर्सनल होता है, बाद में फाइनेंस होता है। तो जो आपके लिए ठीक है वो आप करिए, तभी आप एक्चुअली आर्थिक आजादी पाएंगे, और वो मैंने जरूर किया है। जितने भी इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट्स हैं, जितने भी निवेश के विकल्प मौजूद हैं आज के तारीख में, राधिका जी, म्यूचुअल फंड्स आपके लिस्ट में किस नंबर पर है, किस पायदान पर आता है, और क्यों आपको लगता है कि निवेशकों को इसमें अपना रुझान बढ़ाना चाहिए, अपनी समझ बढ़ानी चाहिए? देखिए, पहली बात तो मेरा जवाब ऑफकोर्स बायस होगा क्योंकि मैं एक म्यूचुअल फंड कंपनी की सीईओ हूँ, लेकिन कल मेरी मम्मी मेरे से पूछ रही थी और उन्हें यू नो एजुकेटेड है, वेरी वेल एजुकेटेड, लेकिन इन्वेस्टमेंट नहीं करते, तो वो मेरे से पूछ रही थी तू मुझे सच बता, एक म्यूचुअल फंड सीईओ की तरह नहीं अपनी बेटी की तरह बता, कि म्यूचुअल फंड वर्सेस प्रॉपर्टी और बहुत सारी एसेट क्लासेस, उन्होंने ऐसा ही सवाल पूछा। तो मैंने कहा माँ मैं आपको सच बोल रही हूँ, म्यूचुअल फंड एक्चुअली आपके लिए हाईएस्ट रैंक इंस्ट्रूमेंट है, और इसकी दो तीन वजह है। एक तो म्यूचुअल फंड के जरिए आप अलग अलग चीजें कर सकते हैं। आई थिंक बहुत लोग ये सोचते हैं कि म्यूचुअल फंड के थ्रू आप सिर्फ इक्विटी कर सकते हैं, लेकिन म्यूचुअल फंड के जरिए आप सेफ काम भी कर सकते हैं, आप इक्विटी और डेट का मिक्स भी कर सकते हैं, आप इंडिया में भी निवेश कर सकते हैं, आप बाहर भी निवेश कर सकते हैं। तो एक तो ये बात है। दूसरी बात जो बहुत इंपॉर्टेंट है म्यूचुअल फंड की, कि आपका पैसा अगर आपको चाहिए तो वो कल मिल जाएगा, ये एक लिक्विड इन्वेस्टमेंट है, इसमें हेडेक नहीं है। तीसरी बात, ये बहुत रेगुलेटेड और ट्रांसपेरेंट इन्वेस्टमेंट है। तो अगर आपको अपना निवेश का काम आउटसोर्स करना है तो म्यूचुअल फंड आपके लिए मेरे हिसाब से एक परफेक्ट इन्वेस्टमेंट है। ये तीन बातें मैंने कल अपनी मम्मी को भी समझाई थी। अच्छा राधिका जी, जिस तरह से हम समय को बदलता हुआ देख रहे हैं, अब उसमें दो चीजें हो रही हैं। एक तो आपका इन्वेस्टर बदल रहा है, दूसरा निवेश करने के तरीके भी बदल रहे हैं। और यहाँ पर मैं तवज्जो देना चाहूंगी डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर पर, प्लेटफॉर्म्स पे जो आ रहे हैं निवेशकों में, क्योंकि आप इतने समय से इस बिजनेस में है, निवेशकों में किस तरह का बदलाव आया है और निवेश करने की प्रक्रिया में कितना बदलाव आया है? खासतौर से डिजिटल प्लेटफॉर्म को आप कितना तवज्जो देती हैं, कितना जरूरी समझती हैं? देखिए, दो बातें हैं जहां तक डिजिटल प्लेटफॉर्म की वो है, और डिजिटल प्लेटफॉर्म की बहुत ग्रोथ हुई है। आमतौर से पहले लोग जो पूछते थे कि कैसे निवेश करें, अब वो किसी ना किसी डिजिटल प्लेटफॉर्म को प्रेफर करते हैं। तो अभी जो निवेश करने का प्रोसेस है, जो ट्रांजैक्शन पंच करने का प्रोसेस है, मैं जैसे कहूंगी SIP शुरू करना हो, STP करना हो, रिडेम्पशन करना हो, ये बहुत आसान हो गया है, बहुत एक्सेसिबल हो गया है डिजिटल प्लेटफॉर्म के कारण। और म्यूचुअल फंड में अगर आपकी KYC हो गई है तो ये बहुत आसान हो गया है। कोई भी आपको फंड चुनना हो, जो सारे रेगुलेटेड फंड्स हैं वो आप कर सकते हैं। डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के हाउएवर डाउनसाइड्स भी हैं, क्योंकि लोगों को लगता है कि मैं डिजिटल प्लेटफॉर्म पर जाके, जैसे गूगल बाबा से अगर मेरी नी खराब हो जाती है तो मैं गूगल से जांच करके सोल्यूशन नहीं पूछती। आई कैन गो, एक बार मुझे सोल्यूशन पता चल गया तो मैं केमिस्ट से जाके ले सकती हूँ दवाई। लेकिन लोग ये भूल जाते हैं कि डिजिटल प्लेटफॉर्म एडवाइस सीख करने का एक तरीका नहीं है। तो अक्सर हम देखते हैं लोग डिजिटल प्लेटफॉर्म पर जाते हैं, फंड्स को सॉर्ट करते हैं, पिछला एक साल का रिटर्न सबसे हाईएस्ट किसका है और उसमें निवेश कर लेते हैं, और ये थोड़ा सा गलत तरीका है मेरे मानने में। तो ट्रांजैक्शंस के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन निवेश की थिंकिंग, सोच आपके लिए क्या सही है, आपको क्या करना चाहिए, फंड्स के बारे में स्टडी, ये आपको खुद करनी पड़ेगी। अब ऐसे में जिस तरह से निवेशक बदल रहा है, यूथ आ रहा है, मिलेनियल्स भी बहुत ज्यादा पार्टिसिपेट करने लग गए हैं, और अब निवेश को लेकर जागरूकता भी आपके और हमारे माध्यम से बहुत ज्यादा बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, अब इन तमाम समीकरण को अगर हम देखें तो क्या आपको ऐसा लगता है कि भविष्य में केवल डिजिटल ही चलेगा या सभी तरह के प्लेटफॉर्म्स को एग्जिस्ट करेंगे?
मुझे लगता है हिंदुस्तान जैसे देश में, चाहे वो खाने की बात हो या कपड़े की बात हो या निवेश की बात हो, कोई एक एवरेज नहीं होता। बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स का बहुत सारा स्कोप है। कुछ लोगों को लगता है कि मैं एडवाइस शायद फिजिकल किसी इंसान से लूं क्योंकि बहुत कंफर्ट होती है। कुछ लोगों को लगता है कि मैं खुद ही जाके डिजिटली कर लूं। कुछ लोगों को अपने वेल्थ मैनेजर या बैंक पसंद है। तो ये सारे प्लेटफॉर्म्स मेरे हिसाब से को एग्जिस्ट करेंगे। मुझे लगता है जो ट्रांजैक्शन का हिस्सा है वो शायद ज्यादातर डिजिटल हो जाए, लेकिन जो एडवाइस का तरीका है, क्योंकि निवेश अल्टीमेटली एक बहुत थॉटफुल चीज है, पैसा बहुत मुश्किल से कमाया जाता है और हर इंसान की एज ए सेट नीड्स अलग होती है निवेश के प्रति, तो वो शायद फिजिकल में भी एग्जिस्ट करे। थोड़ा सा हम इन्वेस्टर माइंडसेट पर अब बात करते हैं, बाजार को लेकर समझ की बात करते हैं। देखिए, हमने जिस तरह से एक साल में बाजार को पीक होते हुए देखा है, बहुत लोगों में अब रुचि आ गई है कि वो बाजार में निवेश करें, लेकिन बाजार की चाल तो कभी एक जैसी रह नहीं सकती है राधिका जी। हमेशा जब एक तो माइंडसेट की प्रॉब्लम ये है कि बाजार जब उड़ता जब चलता है बहुत ज्यादा, तब लोगों को लगता है कि निवेश करना चाहिए था या मौका छूट गया था, लेकिन जब बाजार गिरता है ना तब सब डर कर एकदम दुबक के अपने घर में बैठ जाते हैं। इसमें बदलाव की जरूरत है। इसके अलावा जो इस वक्त आपको सुन रहे हैं, बाजार की नॉलेज में उनको क्या क्या मेन चीजें हैं जो आप हाईलाइट करना चाहेंगे, जो उन्हें पकड़ लेनी चाहिए अपने निवेश शुरू करने से पहले? पहले सवाल की जहां तक बात है, जो हम कहते हैं ये जो बिहेवियरल इश्यूज हैं कि जब बाजार बहुत बढ़ता है तो सबको सडनली एक बहुत इंटरेस्ट आती है, उत्सुकता आती है कि अच्छा बाजार में क्या हो रहा है थोड़ा पता करो। बाजार जब गिरता है तो एक डर जाता है आदमी। ये तो सदियों से चला आ रहा है, ये बदलना बहुत मुश्किल है। लेकिन इसको बदलने का तो नहीं, लेकिन इसको आपके अंदर की भावना को कंट्रोल करने का बेस्ट तरीका ये है कि अपने गोल्स के बेसिस पर निवेश करिए। जैसे कि मैंने शुरुआत में कहा, निवेश जो होता है वो किसी कारण के लिए होता है। तो आप किस चीज के लिए निवेश कर रहे हैं, किस समय के लिए निवेश कर रहे हैं, अगर आप ये जाने ना, तो ये जो छोटी मोटी उतार चढ़ाव की वो सिलसिला होता है उसमें आप इतना स्ट्रेस नहीं होंगे। जैसे अगर आपको पता है कि आप इक्विटी में 5 साल का निवेश कर रहे हैं तो उसे 5 साल के लिए छोड़ दीजिए। फिर आपको मार्केट में क्या हुआ मार्च 2020 में, अप्रैल 2021 में, आपको इतना फर्क नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि माइंड बहुत एक्टिव होता है, न्यूज बहुत होती है, वो होनी चाहिए, लेकिन आपको क्या मैटर करता है, आपको उस पर फोकस करना चाहिए। दूसरी, आपने बहुत अच्छी बात कही कि निवेश करने के बाद हम बहुत सारे सवाल पूछते हैं कि अच्छा ये हो गया मेरे निवेश को, ये हो गया, लेकिन निवेश करने से पहले जानना, जानकारी लेना बहुत जरूरी है। तो आई थिंक दो बातों की, एक तो पहले जानिए कि क्या क्या अलग निवेश के औजार हैं, जैसे इक्विटी है, डेट है, और उनमें भी हर की बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। कि इक्विटी अगर आप करेंगे तो आपके साथ ये होगा, 5 साल में 5 साल तक आपको निवेश करना चाहिए, आपके पैसे 30-40% गिर सकते हैं, ये सारी बातें आप जानिए। दूसरा, आज की तारीख में, और आपने डिजिटल प्लेटफॉर्म्स का जिक्र किया, अगर आप म्यूचुअल फंड्स में भी निवेश करना चाहें तो हम सिर्फ रिटर्न देखते हैं आमतौर से म्यूचुअल फंड का, लेकिन म्यूचुअल फंड के बारे में आज की तारीख में बहुत सारी इंफॉर्मेशन म्यूचुअल फंड कंपनीज की वेबसाइट में है। फंड करता क्या है, फंड मैनेजर निवेश कैसे करता है, क्या इसका अच्छे से अच्छा रिटर्न होगा, क्या इसका बुरे से बुरा रिटर्न होगा, तो पूरी जानकारी लीजिए। और ये जरूर जानकारी लीजिए कि वर्स्ट केस सिनेरियो में जो बुरा केस है उसमें क्या हो सकता है, क्योंकि मुझे लगता है निवेश अल्टीमेटली एक एक्सपेक्टेशंस का खेल है। अगर आपकी एक्सपेक्टेशंस सही होंगी तो आपकी निवेश की जर्नी बहुत अच्छी होगी। अहम स्तंभ आपके फाइनेंशियल पोर्टफोलियो के लिए जिसका जिक्र किया राधिका जी ने, लेकिन वक्त है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जानेंगे कि राधिका जी का पहला निवेश कौन सा था और इसके अलावा वो अपने जीवन में किस तरह का निवेश करती हैं, अपने लिए किस तरह का निवेश करती हैं, इस पर करेंगे बात इस छोटे से ब्रेक के बाद। स्वागत है 89 स्वदेश पर। इस खास चर्चा में मैं बात कर रही हूँ एडलवाइस एएमसी की एमडी सीईओ राधिका गुप्ता से। राधिका जी, आगे बढ़ाते हैं चर्चा को और अब आपके निवेश सफर के बारे में हम बात करेंगे। पहला निवेश कौन सा था और इसके अलावा ऐसी कौन सी सीख थी जो आपको गलती करने पर समझ में आई अपने इन्वेस्टमेंट में? तो पहला निवेश तो मैंने किया था शायद 22-23 साल की उम्र में, कमाना मैंने 21 साल की उम्र में शुरू किया था,
और तब मुझे बताया गया था कि अगर आप बहुत यंग हैं तो सारा निवेश आप इक्विटी में करिए। उस टाइम में यूएस में रह रही थी तो म्यूचुअल फंड्स के थ्रू ही वहां निवेश किया था, इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में। अब गलती ये हुई उस टाइम कि ये जो 100% इक्विटी वाला रूल है उम्र के हिसाब से, ये एक्चुअली कोई लागू नहीं करता, क्योंकि मेरा एज आई सेड बहुत हाई रिस्क प्रोफेशन है और हस्बैंड का भी वही है। तो 2008 में इक्विटी पोर्टफोलियो एक्चुअली 50% गिरा और फिर मैंने रियलाइज किया कि ऐसी जो बातें हैं ये सुननी नहीं चाहिए, अपने हिसाब से जो ठीक है वो करना चाहिए। और मैंने एसेट एलोकेशन के बारे में सीखा जो कि मैं आज भी अप्लाई करती हूँ। तो आज की तारीख में मेरा पोर्टफोलियो उस पहले निवेश से बहुत अलग है। महिलाओं को लेकर आर्थिक साक्षरता की बात करते हैं, उनको फाइनेंशियली एम्पावर करने की बात करते हैं, आप अपने घर की महिलाओं को कैसे आर्थिक आजादी की सीख देती हैं, कैसे उन्हें एम्पावर करने की कोशिश करती हैं? तो देखिए, मेरी बेटी तो नहीं है लेकिन मदर है, मदर इन लॉ है, और उनके जमाने में क्योंकि वो बहुत हाईली एजुकेटेड लेडीज हैं दोनों, लेकिन निवेश में कभी एक्चुअली इंटरेस्ट नहीं लिया उन दोनों में, लेकिन अब दोनों एक्चुअली जाके इंटरेस्ट ले रही हैं तो बहुत खुशी की बात है। मैंने अभी ट्वीट किया था, मेरी मदर इन लॉ ने अपना पोर्टफोलियो बनाया है, पहले टाइम में जो प्रॉपर्टी में सारे निवेश थे उन्होंने अब म्यूचुअल फंड में शिफ्ट किए हैं, क्योंकि उनको लगता है कि उनको रेगुलर इनकम आती रहती है म्यूचुअल फंड के जरिए, उनको समझ आ गया है कि उनके लिए कौन से म्यूचुअल फंड अच्छे हैं। और एक्चुअली उनके पिछले 3-4 साल में बहुत अच्छे रिटर्न रहे हैं और उन्होंने अपने हिसाब से निवेश किया है, तो वो मार्केट के उतार चढ़ाव की एक्चुअली चिंता नहीं करती, बहुत अच्छी निवेशक है। अपनी माँ को भी मैं रोज कुछ ना कुछ सीख देती रहती हूँ निवेश के बारे में, जैसे मैंने आपको बताया कि कल उनको मैं बता रही थी प्रॉपर्टी और निवेश का फर्क। तो धीरे धीरे हम अपने घर की महिलाओं को, जो हमारे अराउंड भी लोग हैं, बताते रहते हैं और ये जरूर बताते हैं कि पैसे के बारे में जानना ना मुश्किल है और है बहुत जरूरी। तो ये ऐसा काम है जो आप किसी और पर छोड़ना नहीं चाहिए। अगर मेरी बेटी होगी तो उसे जरूर ये सीखूंगी। ऐसे आपकी परवरिश में इसको लाना बहुत ज्यादा अहम है, साथ ही बच्चों को किस तरह से पैसों की सीख दी जाए, क्योंकि राधिका जी हम सब जानते हैं बचत की सीख तो हमें बचपन से मिल जाती है लेकिन कहीं ना कहीं निवेश की सीख हमें नहीं मिल पाती है। हाँ, और ये अनफॉर्चुनेटली स्कूल्स और कॉलेजेस में पढ़ाया नहीं जाता, हालांकि हमारे हिंदुस्तानी सभ्यता में आई थिंक मोस्ट घरों में ये सिखाया जाता है वैल्यू फॉर मनी। अब मुझे याद है जब मैं बड़ी हुई तो मेरी मम्मी हमेशा कहते थे सस्ता सुंदर टिकाऊ ऐसा सामान लो, वैल्यू फॉर मनी होना चाहिए। तो बेसिक बचत की सीख तो हमेशा सिखाई जाती थी। आई थिंक निवेश की सीख सिखाई जा सकती है, लेकिन आजकल डिजिटल माध्यम की तरफ से इतने अपॉर्चुनिटीज हैं, इतने तरीके हैं इस बारे में सीखने की। और मुझे लगता है निवेश, कविता जी, एक ऐसी चीज है जो आदमी थोड़ा सीख के ही सीखता है, करके ही सीखता है, थोड़ा ठोकर खा के ही सीखता है। तो ये आप थोड़ा सा जब पैसे कमाना शुरू करें, अगर आप जल्दी निवेश करना शुरू करें और छोटे अमाउंट से करें तो आपकी सीख बहुत अच्छी हो जाती है। बिल्कुल, अपनी क्षमता जितनी हो आपको उससे शुरुआत बस कर देनी चाहिए। राधिका जी, वक्त आ गया है थोड़ा सा आपको और करीबी से जानने का। मुझे बताएं, आप काफी हेक्टिक लाइफ जीती होंगी, अपने आप को आप अनवाइंड कैसे करती हैं, वीकेंड्स पर आपका शेड्यूल कैसा रहता है, आपके शौक क्या है काम के अलावा? एक्चुअली बहुत कम शौक है लेकिन बहुत फैमिली ओरिएंटेड हूँ, फ्रेंड्स ओरिएंटेड हूँ। मुझे लिखने का शौक है, जैसे आपको पता है, पोएट्री का शौक है, तो वो करती रहती हूँ। इरशाद, इरशाद, चलिए कुछ सुना दीजिए। अच्छा, अभी आपने पूछा है तो कुछ सुनाना पड़ेगा, तो मैं ऐसा निदा फाजली का एक पुराना शेर आपको सुनाती हूँ जो बाजार पे भी बहुत, निवेशकों की जर्नी पे भी बहुत अप्लाई करता है। वो लिखते हैं कि सफर में धूप तो होगी, सफर में धूप तो होगी, जो चल सको तो चलो, सभी है भीड़ में, तुम भी निकल सको तो चलो। अब किसी के वास्ते यहाँ राहें नहीं बदलती, किसी के वास्ते राहें कहाँ बदलती हैं, तुम खुद को अपने आप को बदल सको तो चलो। तो ये इसका निवेश बाजार से भी बहुत अच्छा कनेक्शन है, क्योंकि निवेश का जो सफर है उसमें धूप तो होगी लेकिन उसके बावजूद आपको चलना है, और आप अकेले नहीं हो जिसको ये धूप लग रही है, जिसको ये करेक्शन हो रही है, सभी हैं इस भीड़ में, और आपके कारण इकोनॉमी मार्केट ये कुछ नहीं बदलने वाला, तो आपको खुद का बदलाव करना पड़ेगा, तब फिर आगे चलिए।
बहुत खूब, यहाँ पर मेरे ख्याल से काफी गहरी सीख मिलती है और काफी गहरी सोच के साथ आपने इसको इंटरप्रेट भी किया है दर्शकों के लिए। लेकिन एक और चीज जो मैंने बहुत देखी है, एटलीस्ट जितनी आपकी तस्वीरें आती हैं अखबार में और मैगजीन्स में, सब में आप बेहद खूबसूरत साड़ियां पहनती हैं। तो एक तो महिला हूं मैं और साड़ियों से मुझे भी प्रेम है, वो तमाम महिलाएं जो आपको इस वक्त देख रही हैं, आपकी साड़ियों का प्रेम कब से शुरू हुआ और आपका कलेक्शन कैसा है साड़ियों का? तो आज मैंने नहीं पहन रही, लेकिन हाँ। मैं 16 साल की उम्र से पहन रही हूँ। मेरे फादर डिप्लोमैट थे। अच्छा। तो मेरी मदर, हाँ तो मेरी मदर हर एम्बेसी के फंक्शन में पहनती थी। अच्छा। तो उनसे मैंने ये सीख सीखी है, बाहर भी रहती थी तो पहनती थी। और साड़ी से खूबसूरत आई थिंक कुछ होता नहीं, क्योंकि साड़ियों में इतने रंग होते हैं। आप ढाकाई साड़ी ले सकते हैं, आप कश्मीर की साड़ी ले सकते हैं, आप कांजीवरम ले सकते हैं, आप कहाँ कहाँ की, आप गुजरात की साड़ी ले सकते हैं, पटोला साड़ी ले सकते हैं, चंदेरी ले सकते हैं, तो इतनी वैरायटी है। तो मैं जब ट्रैवल करती थी तो पिकअप करती थी, मेरे पास आई थिंक अबाउट 120 साड़ियां होंगी। ये ज्यादातर मैंने नहीं खरीदी हैं, लोगों ने मुझे गिफ्ट किए हैं। इनफैक्ट ट्विटर वगैरह पर भी लोग मुझे फोन करके कहते हैं अपनी मम्मी की मुझे साड़ी आपको देनी है। तो ऐसे ही कलेक्शन बढ़ती गई है। खूबसूरत, मैं समझ सकती हूँ कि आपका वार्डरोब कितना खूबसूरत होगा। आखिरी सवाल, अब आजकल हर किसी के एक बकेट लिस्ट है, होती है अमूमन, जो आप जिंदगी में आगे चल के करना चाहते हैं, आपकी बकेट लिस्ट क्या है? आई थिंक बहुत चीजें हैं, दुनिया तो मैंने काफी घूमी है, तो वो तो ज्यादातर नहीं है, लेकिन किताब जरूर लिखना चाहती हूँ। और किसी पॉइंट पे देश के लिए कुछ ज्यादा करना चाहती हूँ, या गवर्नमेंट में या ऐसे किसी रोल में, तो ये दोनों चीजें तो है। चलिए, हमारी शुभकामनाएं आपको, और कम से कम निवेशकों में आर्थिक आजादी लाने के हमारे सफर में आपने हमारे साथ तो ये जर्नी की शुरुआत कर ली है। राधिका जी, बहुत बहुत शुक्रिया समय निकालकर आज हमसे बात करने के लिए। ईडी नाउ स्वदेश की इस खास चर्चा में मुझे भी इजाजत दें, लेकिन जैसा कि आपने सुना है, जितना जल्दी हो सके अपने इन्वेस्टमेंट की शुरुआत कर दें। नमस्कार।